खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, वो आराम से खड़ा था, तभी एक गोली उसके कमर में धस गई। दिल्ली में दिनदहाड़े गोली मारने की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए सनसनीखेज रिपोर्ट। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। सीसीटीवी की तस्वीरों में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, तभी अचानक ये शख्स कमर में हाथ लगाकर भागने लगता है। शख्स अपनी कमर पकड़ते लड़खड़ाने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। दरअसल राहुल नाम के इस शख्स को गोली लगी है। एक बार फिर देखिए, राहुल एक घर के मेन गेट के बगल से टहलते हुए आता है और दूसरी तरफ मुंह करके ठहर जाता है। आप देख सकते हैं कि अगले ही पल राहुल गेट की तरफ मुड़ता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक गोली आकर उसकी कमर में धंस जाती है। खबर के मुताबिक राहुल अपने साले के साथ जिम चलाता था। हाल ही में राहुल ने जिम से एक कर्मचारी ललित को नौकरी से निकाला था, जिसके बाद कर्मचारी ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर राहुल को जान से मारने की कोशिश की है। राहुल कल सुबह जब अपने जिम की तरफ जा रहे थे तो इसी गेट से जब वह दाखिल हुए थे इस गैलरी में, तो पीछे से उन पर किसी ने गोली चलाई थी। गोली उनकी कमर पे लगी थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल गोली लगने के बाद राहुल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ललित को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।